मेरे पोते ने मुझसे पतंग उड़ाने का राज पूछा। मैंने कहा, ऊपर वाला मेहरबान तो नाना पहलवान। 3 साल पहले मैं मौत के करीब था प्रोस्टेट कैंसर से। मुझे अगर जरूरत थी तो एक चमत्कार की, अपोलो साइबर नाइफ ने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। आज मैं तंदुरुस्त हूं, खुश हूं, आजाद हूं, जैसे बहती हवा का झोंका। जून 2009 में मुझे पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। मैंने अपने बेटे से कहा, एक ना एक दिन हम सबको जाना है, पर मैं इस कैंसर से नहीं जाने वाली। जाने कहां से मुझे हौसला मिला, शायद उन बेहतरीन डॉक्टरों से, शायद संसार से। पर आज मैं कैंसर से आजाद हूं। उम्मीद में एक सच्चाई है, वैसी ही जैसी बारिश की बूंदों में। कैंसर, कैंसर कायर है, ये चोरी छिपे आता है। 2 साल पहले मैं लंग कैंसर का शिकार था, पर मैं हारने के लिए तैयार नहीं था। किस्मत से मुझे उन लोगों का साथ मिला जो कैंसर से लड़कर जीत चुके थे। आज मंजिलें फिर बुला रही हैं और रास्ते भी खुल गए हैं। मुझे याद है कि हर सुबह मुझे बीमार बीमार लगता था। तब मैंने एक नया वर्ड सुना था, ल्यूकेमिया। मुझे याद है मम्मी मेरे बाल काट रही थी क्योंकि वो सब गिरने लगे थे। मुझे याद है कि मुझे स्कूल सिंगिंग कंपटीशन मिस करनी पड़ी। मुझे याद है पापा ने पूछा था कि मुझे बर्थडे पे क्या चाहिए। मैंने कहा, मेरे बाल वापस चाहिए। तीन साल पहले मैं मौत के करीब था प्रोस्टेट कैंसर से। अपोलो साइबर नाइफ ने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। आज मैं तंदुरुस्त हूं, खुश हूं, आजाद हूं, जैसे बहती हवा का झोंका। जून 2009 में मुझे पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। जाने कहां से मुझे हौसला मिला, शायद उन बेहतरीन डॉक्टरों से। पर आज मैं कैंसर से आजाद हूं। उम्मीद में एक सच्चाई है, वैसी ही जैसी बारिश की बूंदों में। दो साल पहले मैं लंग कैंसर का शिकार था, पर मैं हारने के लिए तैयार नहीं था। किस्मत से मुझे उन लोगों का साथ मिला जो कैंसर से लड़कर जीत चुके थे। आज मंजिलें फिर बुला रही हैं और रास्ते भी खुल गए हैं। तब मैंने एक नया वर्ड सुना था, ल्यूकेमिया। मुझे याद है पापा ने पूछा था कि मुझे बर्थडे पे क्या चाहिए। मैंने कहा, मेरे बाल वापस।